प्रिय छात्रों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 अप का तीसरा पार्ट। देखिए नगीन प्रकाशन की बुक है हम लोग का कक्षा 11 की। अगर आप पीछे का प्रश्नावली नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। कक्षा 11 का जितना भी हम लोग का पीछे पढ़े हैं वो आपको सारी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 3 अप का तीसरा पार्ट। अब देखिए पहला हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक क्रम में करेंगे। साइन स्क्वायर कितना हम लोग का ए है प्लस कितना हम लोग का साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ए, इसको भी एक क्रम में कर देंगे। कितना हम लोग का साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस ए। अब आप कहेंगे कि ये क्यों कर दिए ऐसा, तो इसको हम लोग रफ कार्य पर हल किए हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस 60 डिग्री को दो बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर गुणा करेंगे तो फिर यही आ जाएगा हम लोग का पीछे वाला। इसमें से माइनस कामन ले लिए, इसमें से भी माइनस कामन ले लिए। अब देखिए साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कितना हम लोग का ए। इसको हम लोग चेंज करके लिख दिए कि इसमें हम लोग का साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस ए एक क्रम में कर लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि ये वैसे ही उतार देंगे, साइन स्क्वायर ए यहाँ पर क्या करेंगे, दो से गुणा करेंगे और दो से भाग। दो से गुणा कर दे रहे हैं दोनों फंक्शन में, टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ए, और ये कितना हम लोग का, टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस ए। दो कामन करेंगे और कटा देंगे तो हम लोग का वही फिर आ जाएगा। ये क्या हम लोग इसको लिख देंगे बड़े कोष्टक में। अब देखिए क्या करेंगे कि टू साइन स्क्वायर को हम लोग कास में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है 3/2। देखिए कास टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, कास टू ए का फार्मूला क्या होता है, हम लोग का साइन के पद में 1 - 2 साइन स्क्वायर ए होता है। अब देखिए माइनस टू साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे, टू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 - कितना हम लोग का कास 2a। अब देखिए 2 का गुणा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 का भाग। साइन स्क्वायर कितना हम लोग का, तो ये 2 साइन स्क्वायर a हम लोग रहने ही दे क्योंकि ऐसा ही हम लोग का है, 2 साइन स्क्वायर करके है। ये वैसा ही हम लोग का उतार देंगे 1 - 2 का सेम। देखिए a की जगह पर कितना हम लोग का 60 डिग्री प्लस a है, यहाँ पर रख देंगे 2 साइन स्क्वायर कितना हम लोग का 60 डिग्री प्लस a, और कितना हम लोग का 1 - कास एक जगह पर क्या रख देंगे 60 डिग्री प्लस ए। अब देखिए इसको भी चेंज करेंगे तो सेम हम लोग का यही आएगा। इसी तरह चेंज करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, तो 1 - cos 2, और ये यहाँ माइनस है तो ये माइनस में आएगा हम लोग का 60 डिग्री माइनस ए। तो देखिए इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, 1 - cos 2, ये प्लस वाला लिख देंगे और ये माइनस वाला की जगह पर माइनस वाला हम लोग पुट कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कितना हम लोग का 1/2, टू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस ए की जगह पर क्या रखेंगे 1 - कितना हम लोगों का, कास 2, और 60 डिग्री प्लस कितना हम लोगों का ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 - cos 2 60 डिग्री माइनस ए, ये हम लोग लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे साइन स्क्वायर कितना हम लोग का ए 1/2, 1 जुटेगा कितना हो जाएगा 2, और ये गुणा कर देंगे कास कितना हम लोग का, 2 से गुणा करेंगे 60 में तो 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2a। इसे कोष्टक में कर देंगे माइनस, इसमें भी क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 120 माइनस कितना हम लोग का 2a। ये क्या हो गया हम लोगों का, साइन स्क्वायर ए प्लस कितना हम लोग का 1/2। अब देखिए क्या करेंगे कि इसमें से माइनस हम लोग कामन कर लेंगे, इन दोनों फंक्शनों में से माइनस कामन करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, कास 120 डिग्री प्लस 2a, और ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, कास 120 डिग्री माइनस 2a। अब यहाँ से कौन सा रूल हम लोग लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा कास सी प्लस कास डी का हम लोग का यहाँ से रूल हम लोग लगा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर कितना हम लोग का ए प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2, वैसे ही उतर आ जाएगा माइनस भी। कासी प्लस कास डी का फार्मूला क्या होता है, देखिए कासी प्लस कास डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2, 120 प्लस 2a, इसको सी मान रहे हैं इसको डी, 120 माइनस कितना हम लोग का 2a, और नीचे कितना हम लोग का 2, इंटू कास क्या होता है सी माइनस डी बाई 2 होता है, 120 प्लस 2a,
और ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये माइनस करेंगे गुणा तो 120 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a, नीचे कितना हम लोगों का तो 2, इतना हो गया हम लोगों का। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इतना तो हम लोगों का हो गया, इसे कोष्टक में क्या कर देंगे हम लोग, बंद कर देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर कितना हम लोग का, ए प्लस वन बाई टू, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस 2a से प्लस 2a कट जाएगा, 120 जोड़ेंगे 240 होगा, 240 का आधा कितना हो जाएगा 120 इंटू, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 120 से 120 कट जाएगा, 2a जोड़ेंगे 4a होगा, 4a में 2 से भाग देंगे कितना होगा हम लोग का 2a। अब ये कितना हो गया हम लोग का कि क्या करेंगे हम लोग, 1/2 से गुणा करा देंगे, साइन स्क्वायर कितना हम लोग का a प्लस 1/2 से 2 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1/2 से इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा हम लोग का, कास 120 डिग्री इंटू कास कितना हम लोग का 2a। अब देखिए कास 120 डिग्री का मान निकालेंगे रफ कार्य पर हम लोग, देखिए कास 120 डिग्री को, 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, 90 प्लस क्या करके हम लोग 30 करके निकाल सकते हैं, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, माइनस 1/2, इसका मान कितना आ गया हम लोग का माइनस 1/2, तो साइन स्क्वायर कितना हम लोग का a प्लस 1 और ये माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू कितना हम लोग का कास 2a। अब देखिए क्या करेंगे कि हम लोग कास 2a का फार्मूला रख देंगे, कास 2a का फार्मूला साइन के रूप में क्या होता है हम लोग का, तो कास 2a का फार्मूला होता है हम लोग का साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना होता है हम लोग का a होता है, 1 माइनस कितना हम लोग का 2 साइन स्क्वायर होता है, 1/2 से गुणा करा देंगे दोनों फंक्शनों में, तो साइन स्क्वायर कितना हम लोग का a प्लस 1, 1/2 से 1 में कराएंगे 1/2a होगा, 1/2 का इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा केवल साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a से माइनस साइन स्क्वायर a कट जाएगा, इसको त्रिय गुणा कर देंगे 2 एकम 2 एक 3/2 हो जाएगा, 3/2 क्या करना था हम लोगों को सिद्ध करना था, यही क्या करना था हम लोगों को सिद्ध करना था कि 3/2 इसका मान होगा, तो लिख देंगे ये क्या राइट हैंड साइड, ये थोड़ा लंबा सवाल था हम लोगों का। अब देखिए हम लोग सवाल नंबर 10वां का पहला हल करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले ले रहे हैं पहले ही, यानी लेफ्ट हैंड साइड से ही डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे, 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ए है तो ये एक ही फंक्शन में हम लोग लिखेंगे, यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस कितना हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कितना हम लोग का साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कितना हम लोग का कास a होता है। अब देखिए नीचे नीचे क्या होगा, फिर हम लोग ऐसा ही लिख दें, 1 को क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर ये तो ये लिख देंगे प्लस कितना हम लोग का साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कितना हम लोग का कास a। अब देखिए ऊपर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का क्या है हम लोग का होल स्क्वायर, नीचे क्या हम लोग का है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पर कास ए रखेंगे और b की जगह पर कितना हम लोग का साइन a और इसका क्या है होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर है पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे, कास a माइनस कितना हम लोग का साइन a और नीचे कितना हम लोग का कास a प्लस कितना हम लोग का साइन a, इसका क्या कर दिए हम लोग का पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का कि कास ए से भाग दे देंगे ऊपर नीचे दोनों फंक्शनों में, यानी ऊपर भी भाग दे देंगे और नीचे भी, तो कास ए अपन कितना हो जाएगा कास ए, ये कितना हो जाएगा हम लोग का साइन ए अपन कितना हम लोगों का कास ए, देखिए कास ए से इसलिए भाग दिए हैं कि टेन में हम लोग को बदलना है, तो कितना हो जाएगा कास ए बटे में कितना हम लोग का कास ए प्लस कितना हम लोग का साइन ए और बटे में कितना हम लोग का कास ए और इसका क्या हम लोग का होल स्क्वायर, कासे से कासे कट जाएगा, कासे से कासे कट जाएगा, आगे क्या होगा हम लोग का कि 1 माइनस 10a और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस हम लोग का 10a। अब देखिए इसका क्या हम लोग का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10a 1 प्लस 10a, तो 1 के क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 45 अंश लिख सकते हैं और 10 45 अंश को क्या कहते हैं 10 पाई बाई 4 कहते हैं, माइनस कितना हम लोग का 10a, नीचे 1 1 प्लस 10 45 अंश का मान एक होता है और एक का इसमें गुणा कराएंगे तो हम लोग का उतना ही होगा और ये कितना हम लोग का ऊपर का होल स्क्वायर,
टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, किसका नियम है हम लोग का, तो टेन ए माइनस बी का है, टेन पाई बाई फोर माइनस कितना हम लोग का ए का, ये सूत्र है हम लोग का, और ये इस पूरे का क्या हम लोग का होल स्क्वायर, स्क्वायर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो टेन साइन रहता है तो साइन के ऊपर लिखते हैं, टेन रहता है तो टेन के ऊपर, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, तो टेन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस ए, यही क्या करना था हम लोगों को सिद्ध करना था। देखिए टेन स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस ए लिख देंगे क्या हम लोग राइट हैंड साइड, यही क्या करना था हम लोगों को सिद्ध करना था। अब देखिए दस सवा का दूसरा, ये प्रश्न दिया है कास टू थीटा बराबर हम लोग का दे दिया है, तो कह रहा है कि कास टू सिद्ध कीजिए, कास टू थीटा बराबर इतना होगा और कास थ्री थीटा बराबर इतना होगा। पहले तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, बाद में इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए कास टू थीटा बराबर इतना हम लोग को सिद्ध करना है, तो कास टू थीटा का फार्मूला क्या होता है हम लोग का कास थीटा में, तो टू कास स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है वन, इतना होता हम लोग का, तो टू कास थीटा का मान कितना हम लोग का है, रख देंगे यहाँ पर वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्या हम लोगों का इतने का क्या है टू, टू तो रख दिए हैं, कास थीटा का मान इतना हम लोग का पूरा, और इसका क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कास थीटा का मान जितना रहेगा उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे माइनस वन। अब देखिए दो, एक बटा दो का स्क्वायर करेंगे कितना होगा एक बटा चार, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, आगे हम लोग करेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, ये कितना हो जाएगा दो से ये चार कट जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का एक बटा दो, और ये कितना ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए का मान एक्स है बी का मान वन बाई एक्स है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग तुर दिए माइनस कितना हम लोग का वन। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तो वन बाई टू, ये कितना हम लोग का एक्स स्क्वायर वन बटा में एक्स स्क्वायर, दुए का में कितना होगा दो माइनस वन, वन बाई टू से इसे क्या करेंगे एक फंक्शन मानेंगे इसको, यहाँ से हम लोग यहाँ तक, तो वन बाई टू का गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसको एक फंक्शन मान रहे हैं, वन बाई टू का टू में गुणा कराएंगे तो कितना होगा एक होगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा एक ही बचेगा हम लोग का, और ये माइनस वन, प्लस वन से क्या हो जाएगा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा हम लोग, क्या हुआ कि कास टू थीटा बराबर ये पहला सिद्ध हो गया, कास टू थीटा हम लोग छोड़ते आ रहे थे शुरू से, इसको लिख देंगे वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा में एक्स स्क्वायर, यही क्या करना था हम लोग को पहला सिद्ध करना था कि इतना होगा हम लोग का, ये क्या हो गया हम लोगों का सिद्ध हो गया। अब देखिए कास थ्री थीटा बराबर हम लोग को इतना सिद्ध करना है, तो पहले कास थ्री थीटा का हम लोग फार्मूला लिखेंगे, कास थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है फोर कास क्यूब थीटा और माइनस क्या होता है थ्री कास थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे, फोर कास थीटा का वैल्यू कितना है, तो वन बाई टू कास की वन बाई टू कास नहीं है बल्कि एक्स प्लस वन बाई एक्स है, कितना हम लोग का है कास थीटा का वैल्यू, इसका तीन घात है तो तीन घात लग कर देंगे तीन, और कास थीटा का वैल्यू कितना हम लोग का, तो फिर पुट करेंगे हम लोग कितना, तो वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये हम लोग पुट कर दिए कास थीटा का वैल्यू। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो इधर करके थोड़ा सा लिखेंगे चार, और एक का एक बटा दो का तीन बार गुणा करेंगे तो एक कम एक होगा, दो का तीन बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आठ, इसको वैसा ही लिख देंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स का कितना हम लोग का तीन घात, देखिए इसका तो कर दिए इसका कर देंगे माइनस थ्री, थ्री का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन बटा दो, और कितना हम लोग का एक्स प्लस वन बाई एक्स, इतना हो गया हम लोगों का। अब देखिए क्या करेंगे, इसे ए प्लस बी के होल क्यूब पर हम लोग तोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, इस चार से तो ये कट नहीं रहा है बल्कि चार का बाद में हम लोग गुणा कराएंगे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से हम लोग तीन घात किए से क्या था हम लोग का अलग था, तो तीन घात किए से हम लोग का अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है थ्री वाला, क्योंकि तीन का में तीन और बटे में दो एक्स प्लस वन बाई एक्स ये दूसरा फंक्शन है, इसको हम लोग ये वैसा ही छोड़ देंगे, तो इसको हम लोग हल करेंगे चार, चार का इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो चार से आठ कट जाएगा, चार दुना के आठ एक बटा दो होगा, और इसे ए प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी, थ्री ए का मान एक से बी का मान वन बाई एक से, कोष्ट में क्या होता है ए प्लस बी होता है, और ये क्या करेंगे कि इसको ए प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ दिए हम लोग,
और ये वैसे ही उतार देंगे, माइनस 3/2 यक्स प्लस 1/ यक्स। अब देखिए क्या होगा हम लोगों का, तो यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा हम लोगों का 1/2, ये कितना हम लोगों का तो यक्स क्यूब प्लस 1/ यक्स क्यूब, तीन एकम में कितना होगा हम लोगों का 3, तीन एकम में कितना होगा 3, और ये कितना हम लोग का यक्स प्लस 1/ यक्स, और ये इसे कोष्टक में बंद कर देंगे और ये फंक्शन लिख देंगे 3/2 यक्स प्लस 1/ यक्स। अब देखिए 1/2 से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे इसे एक फंक्शन मानकर, कितना हो जाएगा हम लोग का 1/2 यक्स क्यूब प्लस 1/ यक्स क्यूब, और ये कितना हम लोग का 3/2 हो जाएगा यक्स प्लस 1/ यक्स, और ये कितना हम लोग का माइनस 3/2 यक्स प्लस 1/ यक्स, इतना हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये हम लोग का सेम फंक्शन मिल रहा है, माइनस प्लस में मिल रहा है तो कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का 1/2 यक्स क्यूब प्लस 1/ यक्स क्यूब, यही क्या करना था हम लोग को सिद्ध करना था कि मान हो गए 1/2 यक्स क्यूब प्लस 1/ यक्स क्यूब, काश 3θ का वैल्यू हम लोग काश छोड़ते आ रहे हैं शुरू से, लिख देंगे तो हम लोग का सिद्ध हो जाएगा, ये लिख देंगे क्या हम लोग, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये क्या हुआ हम लोग का सिद्ध हुआ, तो ये क्या हो गया हम लोग का सिद्ध हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 11, क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट हम लोग हल करेंगे, सिद्ध करना है कि 4 इसका मान हम लोग का होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना है, करणी में 3, कोशेक 20 अंश को बदल देंगे साइन में, साइन कितना हो जाएगा हम लोग का 20 अंश, कोशेक थीटा बराबर क्या होता है 1/ साइन थीटा, माइनस सेक थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का 1/ कास थीटा, इसको कास में बदल देंगे, तिरियक गुणा करा देंगे, तिरियक गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, करणी में 3 कास कितना हम लोग का 20 डिग्री, माइनस इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का साइन 20 डिग्री, नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का साइन 20 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा कास 20 डिग्री, इतना हम लोग का हो गया। अब देखिए ऊपर केवल क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग, करड़ी में 3/2 हो जाएगा, साइन कितना हम लोग का, साइन नहीं बल्कि कास कितना हम लोग का है तो कास 20 डिग्री है, माइनस 1/2 कितना हो जाएगा साइन हम लोग का 20 डिग्री। देखिए नीचे से 2 कामन करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा हम लोग का, फिर वही आ जाएगा, और ये नीचे वाला फंक्शन हम लोग वैसा ही लिख देंगे, साइन कितना हम लोग का 20 डिग्री इंटू कास कितना हम लोग का 20 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू रखेंगे 2, करड़ी में 3/2 कितने का मान होता है साइन में हम लोग का, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री इंटू कास कितना हम लोग का 20 डिग्री, ये कितने का कास में मान होता है हम लोग का, तो कास में मान होता है हम लोग का कास 60 डिग्री का मान होता है, कास कितना होता है हम लोग का तो 60 डिग्री का, कास 60 डिग्री, साइन कितना हम लोग का 20 डिग्री, और ये कितना हम लोग नीचे का वही लिख देंगे, कितना हम लोग साइन 20 डिग्री इंटू कितना हम लोग का कास 20 डिग्री। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 2 क्या करेंगे हम लोग कि साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, 60 माइनस कितना हम लोग का 20। अब नीचे का क्या करेंगे हम लोग वैसा ही लिख देंगे, साइन 20 अंश और इंटू कितना हम लोग का कास 20 अंश, अब क्या हो जाएगा हम लोग का 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन कितना हम लोग का 40 डिग्री नीचे। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे नीचे हम लोग कि 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग, तो 2 से गुणा कर देंगे 2 से भाग, 2 साइन कितना हो जाएगा 20 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा कास 20 डिग्री, 2 साइन ए कास बी का फार्मूला क्या होता है हम लोग का 4, 2 दुना कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, फिर हम लोग का पीछे वाला फंक्शन आ जाएगा, 2 दुना के 4 हो गया, साइन ए कितना हम लोग का 40 डिग्री लिख देंगे वैसे ही, 2 साइन ए कास बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 20 प्लस 20, साइन इंटू साइन क्या होता हम लोगों का साइन ए प्लस बी का, 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता हम लोगों का, और प्लस साइन क्या होता हम लोगों का ए माइनस बी, 20 में से 20 घटा देंगे, ए माइनस बी का मान हम लोग रख दिए। अब देखिए 2 साइन ए कास बी पर इसको तूरे हम लोग, ये कितना 4 साइन कितना हम लोग का 40 डिग्री नीचे, 20 20 कितना हो जाएगा हम लोग का साइन 40 डिग्री, और ये कितना घटेगा तो साइन 0 डिग्री। अब देखिए कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान हम लोग का कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 0 में इतना जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, साइन 40 डिग्री नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का साइन 40 डिग्री बस बचेगा, साइन 40 से साइन 40 कट जाएगा, क्या बचा है हम लोग का 4,
यही क्या करना था हम लोग को, सिद्ध करना था कि चार होगा हम लोग का वैल्यू इसका। ये क्या हो गया हम लोग का सिद्ध हो गया, लिख देंगे राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया हम लोग का सिद्ध हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 12 हम लोग डायरेक्ट इसको हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ओर से, तो चलिए हल करते हैं। 1+ कितना हम लोग का कास, पाई बाई कितना हम लोग का 8 है, इसको उतार देंगे, इसको भी उतार देंगे, कास कितना हम लोग का 3π/8 को, इन दोनों को चेंज करेंगे हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 - कास कितना हम लोग का पाई माइनस 5π/8 में कितना हम लोग का 8, इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसको भी लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार 1- कितना हम लोग का कास, पाई माइनस कितना हम लोग का 7π/8, ये क्या हो गया हम लोग का लिखा गया, लेफ्ट हैंड साइड से हल कर रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए कास 180 - θ बराबर क्या होता है, माइनस कास थीटा, आगे माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस कास थीटा हो जाएगा, यानी कास 5π/8 आ जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो इसमें भी हो जाएगा हम लोगों का, देखिए कास 180 - θ बराबर क्या होता है, माइनस कास थीटा, माइनस कास 7π/8 होगा, और वही माइनस लगा दिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस, फिर वही हम लोगों का आ जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 1+cos π/8 कितना हम लोग का 8, 1+ कितना हम लोग का कास 3π/8, और ये कितना हम लोग का कि कास 180 - θ बराबर क्या होता है हम लोग का 8 का गुणा करा देंगे, 8π में से 5π घटेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 8π में से 5π घटेगा तो 3π/8 कितना हम लोग का 8, ये क्या कर देंगे इसी तरह इसको भी हल कर देंगे, 1 - 8π में से 7π घटेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1π, यानी π/8 कितना हो जाएगा हम लोग का 8। अब देखिए इतना तक हम लोग हल कर दिए, अब इसको देखिए a+b a - b क्या होता है, a² - b² का फार्मूला होता है, a² - 1 का स्क्वायर करेंगे तो ही होगा, और ये कास स्क्वायर कितना हो जाएगा π/8। अब देखिए इसको भी a+b a - b a² - b² का कास स्क्वायर कितना हम लोग का 3π/8 कितना हम लोग का 8, इसको हम लोग लिख लिए, इसको इसको एक साथ लिए हैं और इन दोनों को एक साथ। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये कितना होता है 1 - cos²θ, sin²θ का फार्मूला है, sin² कितना हो जाएगा π/8 * ये भी क्या हो जाएगा sin² 3π/8 कितना हम लोग का 8, यहाँ तक हल हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे इसको हम लोग कि हल करेंगे, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं साइन कितना हम लोग का π/8 * साइन कितना हम लोग का 3π/8, और यहाँ 2 लगा देंगे * एक कोष्ट में इतना लिख सकते हैं और एक कोष्ट में फिर यही लिखेंगे sin π/8 * साइन कितना हम लोग का 3π/8। अब देखिए इतना हो गया हम लोग का, नीचे क्या लिख देंगे हम लोग 4, क्योंकि दुदुना के 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये इसका इसमें गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए क्या होता है हम लोग का, तो 2sin a sin b का फार्मूला क्या होता है, 2sin a sin b का फार्मूला, तो उसका फार्मूला होता है हम लोग का कास कितना होता है हम लोग का 2sin a sin b का फार्मूला, कास क्या होता है हम लोग का a - b, तो बड़े वाले को हम लोग a मानते हैं a - b, और क्या होता है हम लोग का -cos a+b, a का मान या इसको ये बड़ा है तो इसको हम लोग a मान रहे हैं a+b, π/8 कितना हम लोग का 8, इसी तरह इसको भी हम लोग तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हम लोगों का कि 2sin a cos b का कास a - b 3π/8 कितना हम लोग का 8, सेम एकदम हम लोग का यही फंक्शन होगा क्योंकि यही एकदम ये π/8 कितना हम लोग का 8, और ये कितना -cos कितना हम लोग का 3π/8, और प्लस कितना हम लोग का π/8, ये हम लोग का लिख दिए। अब देखिए कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो नीचे 4 है बचा है, 4 को लिख देंगे। अब देखिए कितना होगा हम लोग का, तो नीचे cos, नीचे का हर बराबर है तो एक लिखेंगे, ऊपर का वैसा ही घटा देते हैं, घटाना में 3π में से π घटेगा कितना बचेगा 2π - ये कितना हो जाएगा हम लोगों का कि 3π, ये नीचे का हर बराबर है तो एक लिखेंगे, 3π में π जोड़ेंगे कितना होगा हम लोगों का 4π * सेम एकदम यही फंक्शन होगा हम लोगों का कास
कास कितना हो जाएगा 2π/8 और ये कितना हम लोग का माइनस कास 4π/8। क्या करेंगे हम लोग कि अब कटा देंगे, किससे कटाएंगे, 2 से 8 को कटा देंगे 4 होगा, 4 से 8 को कटाएंगे 2 होगा, इस तरह हम लोग कटा दिए। अब देखिए क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू रख देंगे, कास पाई बाई फोर है, कास पाई बाई फोर का मान 45 अंश, कास 45 अंश का मान कितना होता है 1/2 माइनस कास पाई बाई टू, कास 90 अंश का मान कितना होता है 0, और ये कितना हम लोग का सेम एकदम वही होगा, कास 45 अंश का मान कितना हम लोग का 1/2 माइनस कास 90 अंश का मान कितना हम लोग का 0, और नीचे कितना हम लोग का 4। देखिए इतना में से 0 घटेगा उतना ही होगा, 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का कि यहाँ 1/2 बचेगा और यहाँ भी 1/2 बचेगा और नीचे कितना हम लोग का 4। अब कितना हो जाएगा गुणा कराएंगे तो 1/4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 और नीचे कितना हम लोग का 4, 4 का इस 2 में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 1/8। यही क्या करना था हम लोग को, सिद्ध करना था कि 1/8 हम लोग का वैल्यू होगा। ये क्या हो गया हम लोग का सीध हो गया, लिख देंगे क्या हम लोग राइट हैंड साइड और लिख देंगे क्या हम लोग हेंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया हम लोग का कि ये पार्ट हम लोग का ख़त्म हो गया, यहाँ तक आज हम लोग का यहाँ तक हुआ। कल से हम लोग पढ़ेंगे अगला हम लोग प्रश्नावली, अगला प्रश्नावली मतलब यही इसी प्रश्नावली का अगला चैप्टर हम लोग अगला इसी प्रश्नावली का अगला हम लोग पार्ट पढ़ेंगे कल से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।